अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ वो सभी मोबाइल्स और आईफोन जो कि आप सभी भाइयों ने जो है मुझे अलग अलग वीडियो में जो है कमेंट किए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट में पिक कर रहा हूँ फार्मर नेचर्स रील्स भाई का। इन्होंने कमेंट किया है मुझे सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के लिए। तो चलिए इनकी डिमांड पे जो है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा दिखा देते हैं इस वाले स्टोर से कि इस वाले स्टोर पर अभी जो है उसका कितना प्राइस चल रहा है, कितना नहीं। तो गाइज ये है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। अगर यहाँ पर इसकी ये डिस्प्ले की बात की जाए तो इसकी ये डिस्प्ले मिलेगी 6.8 इंचेस की क्वाड एचडी डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले 2X के साथ। डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 120 हर्ट्ज का जो है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का इसका बैक का लुक रहेगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको सैमसंग का लोगो। कलर की बात की जाए सैमसंग S22 अल्ट्रा में तो आपको जो है चार ऑप्शन मिल जाएंगे कलर में। S22 अल्ट्रा में अगर CPU की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन फर्स्ट के साथ जो है इसका ऑक्टा कोर रहेगी। अगर इसकी रैम की बात की जाए तो 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा और 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 5000mAh की इसकी बैटरी कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में अगर यहाँ पर इसके रियर के कैमरों की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का इसका डिजाइन रहेगा। और इसमें कैमरे की बात की जाए तो सबसे पहला कैमरा आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का। बाकी इसमें आपको एक कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का और बाकी दो कैमरे मिलेंगे 10-10 मेगापिक्सल के। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट का कैमरा आपको मिलेगा 40 मेगापिक्सल का। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की अगर यहाँ पर रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इसका रेगुलर प्राइस आपको मिलेगा 5699 रियाल और इस पर अभी कोई भी डिस्काउंट नहीं है। 5699 रियाल ही इसका रेगुलर प्राइस है। अगर आप इसे इंस्टॉलमेंट पर लेने की सोच रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को इस वाले स्टोर से तो इसे आप इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं। इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी पर मंथ 273 सऊदी रियाल और ये आपको जमा करने पड़ेंगे पूरे 36 महीने तक यानी 3 साल तक। अगर आप ताबी और तमारा के जरिए इंस्टॉलमेंट पर लेने की सोच रहे हैं तो आप उस पर 3 मंथ इंस्टॉलमेंट और 4 मंथ इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन पर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पिक कर रहा हूं इस वाली वीडियो में MSIM भाई का। इन्होंने कमेंट किया है मुझे iPhone 14 Pro Max 256GB के साथ। तो ये है iPhone 14 Pro Max। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक रहेगा। यहाँ पर बीच में आपको दिखेगा एप्पल का लोगो। अगर इसके डिस्प्ले के स्क्रीन साइज की बात की जाए तो 6.7 इंचेस का HDR सुपर रेटिना के साथ जो है डिस्प्ले मिल जाएगी और डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 120 हर्ट्ज का जो है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। iPhone 14 Pro Max में अगर चिपसेट की बात की जाए तो A16 Bionic इसका चिपसेट रहेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो iOS 16 ये सपोर्ट करेगा। अगर इसकी इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो iPhone 14 Pro Max आपको 4 ऑप्शन के साथ मिल जाएगा 128GB 256GB 512GB और लास्ट में 1TB। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं प्राइस बताऊंगा 256GB के साथ। और कलर की बात की जाए तो कलर में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे iPhone 14 Pro Max के। तो 4 कलर में आप कोई सा भी सेलेक्ट करके ले सकते हैं। यहाँ पर कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको 3 कैमरे मिलेंगे। सबसे पहला कैमरा इसमें आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, बाकी दो कैमरे मिलेंगे आपको 12-12 मेगापिक्सल के। साथ में मिलेगी एक फ्लैश लाइट। अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट में भी आपको एक कैमरा मिलेगा, वो मिलेगा आपको 12 मेगापिक्सल का। और iPhone 14 Pro Max में अगर नेटवर्क की बात की जाए तो 5G नेटवर्क के साथ ये मिलेगा। अब अगर यहाँ पर iPhone 14 Pro Max के रेगुलर प्राइस की बात कर ली जाए तो 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ तो इसका प्राइस रेगुलर रहेगा 5699 रियाल। लेकिन डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस रहेगा यहाँ पर 4999 रियाल। और iPhone 14 Pro Max को अगर आप इंस्टॉलमेंट पर लेना चाह रहे हैं 256GB के साथ तो इसकी 256GB के साथ इंस्टॉलमेंट रहेगी 273 रियाल और ये 273 रियाल आपको देने पड़ेंगे पूरे 36 महीने तक। तो इस वाली वीडियो में नेक्स्ट कमेंट मैं पिक कर रहा हूँ मोहम्मद अनस भाई का। इन्होंने कमेंट किया है मुझे सैमसंग गैलेक्सी S22 के लिए। तो चलिए इनकी डिमांड पर जो है सैमसंग गैलेक्सी S22 दिखा देते हैं इस वाली वीडियो में। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S22। बैक में यहाँ पर सैमसंग का आपको लोगो मिल जाएगा और कुछ इस तरीके का इसका बैक का लुक रहेगा और कुछ इस तरीके की इसकी ये डिस्प्ले मिलेगी आपको। अगर इसकी ये डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.1 इंचेस की फुल HD डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले मिलेगी और डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 120 हर्ट्ज का जो है इसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। S22 में अगर कलर की बात की जाए तो कलर में जो है आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट करके ले सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S22 में अगर कैमरे की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का इसका कैमरे का लुक रहेगा। 3 कैमरे मिलेंगे, साथ में मिलेगी आपको एक फ्लैश लाइट। सबसे पहला कैमरा इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 10 मेगापिक्सल का। साथ में मिलेगी एक फ्लैश लाइट। अगर इसके फ्रंट के कैमरे की बात की जाए
या तो फ्रंट का कैमरा इसमें आपको मिलेगा 10 मेगापिक्सल का। सैमसंग गैलेक्सी S22 में बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 3700 mAh की जो है इसमें बैटरी कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। कैपेसिटी की बात की जाए तो 8GB इसमें आपको रैम मिलेगी और 8GB रैम के साथ साथ इसमें आपको 128GB 256GB इंटरनल स्टोरेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और इसमें अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो ओक्टा कोर की इसमें प्रोसेसर मिल जाएगी। और यहाँ पर प्रोसेसर स्पीड की बात की जाए तो 1.7 GHz 2.5 GHz और 2.8 GHz की इसमें प्रोसेसर स्पीड मिल जाएगी। और सैमसंग गैलेक्सी S22 में अगर इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉइड वर्जन ये 12 सपोर्ट कर रहा है। इस वाले स्टोर पर गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के रेगुलर प्राइस की बात कर ली जाए तो इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 3299 रियाल। 3299 रियाल जो है इसका रेगुलर प्राइस है, इस पर अभी कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अगर आप इसे इंस्टॉलमेंट पर लेने सोच रहे हैं तो इसे इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं 158 रियाल पर मंथ की। बाकी अगर आप इसका प्राइस अपनी कंट्री में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं 3299 रियाल का जो है कितना प्राइस हो जाएगा। ये जो है अभी रेगुलर प्राइस पे ही सेल आउट हो रहा है, इस पर अभी कोई भी। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट मैं पिक कर रहा हूँ इस वाली वीडियो में सब बलहरा भाई का। आई थिंक इसी यूजर आईडी से जो है मुझे कमेंट आया है पोको F5 के लिए। तो चलिए इनकी डिमांड पे जो है मैं दिखा देता हूँ अभी पोको F5। अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो 5G नेटवर्क के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको 5G की बेजिंग भी मिल जाएगी। कलर की बात करें तो ब्लू कलर के साथ है ये। अगर इसकी डिस्प्ले के स्क्रीन साइज की बात की जाए तो 6.71 इंच का जो है इसका डिस्प्ले का साइज रहेगा। और इसके अगर चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 के साथ जो इसका चिपसेट रहेगा। और अगर प्रोसेसर स्पीड की बात की जाए इसकी तो 2.91 GHz से लेकर 1.8 GHz का जो है इसका प्रोसेसर स्पीड रहेगी। अगर इसमें रियर कैमरे की बात करें तो रियर में आपको 3 कैमरे मिलेंगे। सबसे पहला मेन कैमरा इसमें मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, दूसरा इसमें कैमरा मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल का और तीसरा इसमें कैमरा मिलेगा आपको 2 मेगापिक्सल का। और 64 मेगापिक्सल के साथ कैमरे की बेजिंग भी मिल जाएगी और साथ में मिलेगी LED फ्लैश लाइट। बस वाह देखिएगा बस। अगर इसकी रैम की बात करें तो ये मिलेगा आपको 12GB रैम के साथ। और अगर इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो इसकी स्टोरेज रहेगी 256GB है। अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें फ्रंट का कैमरा मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। और अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो पोको F5 में एंड्रॉइड वर्जन रहेगा 13। और पोको F5 में अगर इसके बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी बैटरी कैपेसिटी रहेगी 5000 mAh में। अब यहाँ पर अगर इसके रेगुलर प्राइस की बात कर ली जाए तो इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 1699 रियाल यानी 1699 रियाल। लेकिन 150 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस अभी रहेगा 1549 रियाल यानी 1549 रियाल यानी 150 रियाल का जो है पोको F5 पे जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है।